अमेठी के जामो बोई बाजार में स्थित परिवार कल्याण केंद्र पर एएनएम राजवती यादव की अगुवाई में सभी आशा बहुओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका सफाई कर्मी व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर निकाली रैली। लोगों को किया गया जागरूक, सैकड़ों लोग हुए रैली में शामिल। अमेठी के रामगंज में ग्राम प्रधान की खुली पोल, गांव के निवासी हरिश्याम शुक्ला ने प्रधान प्रतिनिधि विजय प्रकाश गुप्ता पर लगाया आरोप, कहा इंडिया मार्क हैंड पंप के पैसे निकाल कर खा गए हैं प्रधान। प्रार्थी ने की जिला पंचायत में अधिकारी से शिकायत, शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। प्रधान कुछ नहीं किया, प्रधान जी ने पैसा निकाल के खा लिया है और कह रहे हैं कुछ नहीं होगा इसमें। सुल्तानपुर के लम्बुआ तहसील मुख्यालय पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के सामने बनी नालियों का बुरा हाल, गंदगी से बजबजा रही हैं नालियां, दे रही हैं हजारों बीमारियों को न्योता। बैंक में आने जाने वाले लोगों को उठानी पड़ती हैं काफी दिक्कतें, हल्की सी बरसात होने पर पटरियों के ऊपर से बहता है पानी, प्रशासन देखकर भी बना अनजान। सुल्तानपुर के कोतवाली देहात भूलकी गांव में हुआ हादसा, घर के बाहर सो रहे अशोक कोरी, उनकी पत्नी पर गिरा विद्युत तार, दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। गांव में मचा कोहराम, गुस्साए ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन, बिजली विभाग मुर्दाबाद के लगाए नारे। डीएम ने घटना की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने व मृतकों के आश्रितों को तत्काल सहायता प्रदान किए जाने के आदेश दिए। थाना कोतवाली देहात में आरोपी पंजीकृत किया गया है और इस प्रकरण की जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। अमेठी के भाजपा प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा जम्मू कश्मीर के भ्रमण पर गए, पुलवामा अटैक में शहीद वीर जवानों की घटना स्थल पर जाकर वहां की मिट्टी को माथे पर लगाकर शहीदों को नमन कर दी शहीद वीर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि। सुल्तानपुर में खाद्य विभाग ने दिखाई सख्ती, कूड़ेभार के हरौरा बाजार में सिरका बनाने वाले अवैध केमिकल को भारी मात्रा में किया गया नष्ट, सैंपल लेकर भेजा गया लैब में, मामा भांजे मिलकर कर रहे थे अवैध कारोबार। मौके से अवैध कारोबारी मामा भांजे दुकान छोड़कर हुए फरार, छापेमारी से इलाके में मचा हड़कंप। बाराबंकी के जैतपुर स्थित द मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज के प्रबंधन से फोन पर डरा धमकाकर 2 लाख की रिश्वत मांगने पर अभियुक्त अभिनय वर्मा को बाराबंकी की पुलिस ने बड़ी सक्रियता के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक मोबाइल, 2 सिम कार्ड किए गए बरामद, मुकदमा दर्ज कर भेजा गया जेल। सुल्तानपुर के कादीपुर में आयोजित हुआ जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस, फरियादियों की उमड़ी भीड़, जिलाधिकारी सिंधुमती ने सुनी जनता की समस्याएं, कई मामलों का किया गया निस्तारण, एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। सुल्तानपुर में केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी ने जिले के रेलवे यात्रियों की दिक्कतों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मंडल रेल प्रबंधक को लिखा पत्र, 4 स्टेशन पर अतिरिक्त आरक्षण बुकिंग टिकट खिड़की खोलने के लिए रेल प्रबंधक से किया निवेदन, रेल यात्रियों को मिलेगी इससे काफी राहत। बाराबंकी में कई गांवों को कटान से बचाने के लिए प्रशासन करवा रहा है निर्माण, ग्रामीणों ने निर्माण को लेकर मानक विहीन सामग्री लगाने और घोटाले का आरोप लगाया, ग्रामीणों और जेई में हुई भिड़ंत, तहसीलदार सिरौली गौसपुर के टेपरा गांव का है मामला। सरकार की देखरेख में इसे पूरा गांव विनाश हो रहा है, गांव के ग्रामवासी यहां से भाग रहे हैं, उनके आवास, तमाम आवास गिर चुके हैं, पूरे गांव इसमें समाहित हो चुके हैं। बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र बाबापुरवा में मचा हंगामा, करवी खाने में मवेशी की हालत बिगड़ी, सूचना के बाद मौके पर पहुंचे डॉक्टर, तड़प कर हुई मवेशी की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने हैदर बाराबंकी मार्ग किया जाम, कांटा जमकर बवाल, थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया, मामले को शांत किया। तुम्हारी गैया करवी खाई है, मैं तुम्हारी करवी खाई है, तो हम कहा सर करवी खाई, उसका जो करे वाला हो करो, लेकिन और 4 ठे फटफटा रहे उनका तो देखा जाए। सुल्तानपुर के गोसाईगंज सुरौली गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में गोली चली, गोली लगने से बीडीसी आशुतोष की मौके पर दर्दनाक मौत हुई, खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, हत्या के बाद जिला अस्पताल को ग्रामीणों ने घेरा, मौके पर अस्पताल में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात। सच्चाई वही जो हम बताएं।